दुर्ग जिले में लगभग मैं 2 साल से भी अधिक समय से कार्यरत था और अभी वर्तमान में हमने दुर्ग रायपुर जिले को ज्वाइन किया है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिले। फोकस रहेगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को भटकना पड़ता है उसमें ऐसी स्थिति ना निर्मित हो। पेंशन, राशन कार्ड और राजस्व के मामलों में विशेष रूप से फोकस रखेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा को भी एक प्राथमिकता पे रखा है। सर, आपराधिक घटनाओं पर भी लगातार कहा जा रहा है, इसमें हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में ऑलरेडी एसपी साहब से चर्चा हुई है और जो शुरुआत में भी लॉ एंड ऑर्डर की जो बैठकें होती थी उसका रेगुलर रिव्यू होगा। इसके अलावा आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा एसपी के साथ मिलकर समय समय पर किया जाए। मैंने शनिवार को और पिछले 2 दिनों से और इवन आज भी शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है। इसके अलावा शनिवार को हमने विभिन्न विभागों का बैठक भी लिया है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें शासन के जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है उसका जो उद्देश्य है और उसके लिए उसकी जो टारगेट ग्रुप है उस तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा जो बेसिक सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा, इसमें जो बेसिक एस्पेक्ट में हमें काम करना है और लोगों को उसका लाभ देना है इस पर हम लोग डेफिनेटली फोकस करके काम करेंगे। जो मुख्य रूप से जो समस्या 2-3 दिनों में बताए गए हैं इसमें इलीगल प्रोटीन का है या इलीगल सैंड माइनिंग के इशू बताए गए, नोट कराए गए हैं, तो उसमें भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कसावट हम लोग ला सकें। अभी आने वाले समय में शहर में जलभराव की स्थिति कुछ कुछ एरिया में होती है, तो कोशिश यही रहेगी कि वहाँ से जल्दी नल जल निकासी की व्यवस्था हम लोग कर सकें और आने वाले समय में कुछ ड्रेनेज प्लान हम लोग बनाएंगे ताकि ये समस्या बार बार उत्पन्न ना हो। एसपी साहब से नशे और क्राइम को लेके हमारी एक प्रिलिमिनरी चर्चा हुई है और इसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम भी है जिसका भी हम लोग बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं जिसमें नशा मुक्ति और नशे की रोकथाम, नशे का जो बढ़ता प्रकोप है उसके रोकथाम के लिए भी हम लोग ये कार्य योजना बनाएंगे। इसके अलावा चाइल्ड बेगर्स जो है उसके लिए भी हम लोग एक कार्य योजना बनाने के लिए कल सीओ जिला पंचायत को इसका नोडल बनाए हैं। तो एक सामाजिक जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उसको भी हम लोग डेफिनेटली टेकअप करें। मैंने 2 दिन पहले से अभी तक मेरे पास सामने ऐसा कोई विषय नहीं आया है, परंतु सभी जो इंस्टीट्यूट्स है, सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको एक निर्धारित समय सीमा दिया है और सभी से लोगों से अपेक्षा भी है कि उस निर्धारित समय सीमा में काम करें, अन्यथा जो उसके लिए जो प्रोविज़न है, जो पिनल प्रोविज़न दिए हैं उस पर कार्रवाई हो। बारिश के समय में अभी भी जैसे 2 दिनों में बारिश हुई तो कुछ एरिया में जलभराव की स्थिति के मैसेजेस आने लगे हैं, तो हम लोगों ने अभी ये व्यवस्था किया है जो नगर निगम आयुक्त से जो चर्चा हुई उसमें ये बताया गया कि कुछ नए पंप हमने मंगवाए हैं ताकि ऐसे गाँव ऐसे एरिया में हम लोग जल्दी से जल्दी पानी का निकासी कर सकें। इसके अलावा एक क्योंकि ये इमीडिएटली अगर हम लोग उनको रिलीफ देना चाहते हैं तो यही रिलीफ है कि हम लोग वहाँ से पानी निकासी करें। अभी ड्रेनेज जो अल्टरनेटिव ड्रेनेज है जिसकी वजह से वहाँ पे पानी बंद ना हो तो इसके लिए भी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे ड्रेन्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे कब्जे हुए हैं या फिर वो ड्रेन को बुझा दिया गया है।